वही हालत है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ को हीरो समझते हैं भगवान। अनेक मामा जी हमारे भाई मित्र हैं, उसके बाद जी इतनी ट्रेवल किया उन्होंने, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर सड़क से कोई जुड़ा हुआ नेता वहां पर है तो शिवराज सिंह है जी। पिछले 15 वो जहाँ पर हर जगह जाते हैं सब जानते हैं उनको, और बड़े धरती के व्यक्ति हैं। परंतु प्रॉब्लम ये है कि लोगों के मन में डाल दिया मन कि दोबारा चीफ मिनिस्टर ही बनाएंगे। आपने केंद्रीय मंत्री जाके खड़े कर दिए, बड़े बड़े सीनियर मंत्री जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं ये हैं। तो जब आप अपने नेता के प्रति डाउट खड़ा कर दें कि हमने MP खड़े कर दिए, 3 मंत्री खड़े कर दिए, हर आदमी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना शुरू करता है। ऐसे जोधपुर में हुआ, कई नाम लिए जा रहे हैं, जहाँ केंद्रीय मंत्री जो जाके कहते हैं हमारा नाम, हम चले हम बनेंगे, आपने देखा होगा अखबारों के अंदर। तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ज्यादा हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट है ही नहीं, दूसरा कैंडिडेट कौन है? दो ही हैं हर जगह। ये सिंहदेव को देख लीजिए आगे, या देख लीजिए आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और मध्य प्रदेश के अंदर एक या दूसरा नाम ही नहीं। तो बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके बारे में जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी अबाउट हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर इज, दोनों राज्यों में बघेल साहब के फेवर में जाती है, मध्य प्रदेश से तो कमलनाथ के फेवर में जाती है। तो अब ऑप्टिक्स की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की, जिसको आप बोलते हैं बार बार बॉडी लैंग्वेज, लगता है कांग्रेसियों को ज्यादा स्ट्रांग मजबूत कॉन्फिडेंट लगता है, परंतु बीजेपी का संगठन है, RSS के लोग बड़े जोर से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो उनका कैंडिडेट है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज के मामले में उनके पास कमी कोई है नहीं, सबसे ज्यादा साधन चाहे वो मैन पावर हो चाहे मनी पावर हो, एवरीथिंग बीजेपी के पास है। और तेलंगाना में आपको क्या लगता है मैजिक क्या चलेगा आप कह नहीं सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।